नमस्कार, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज मैनपुरी और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। मेरी माटी मेरा देश अभियान में भव्य कार्यक्रम के तहत घिरोर में हर घर तिरंगा लहराया गया, जिसके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें कई लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। आयोजन के तहत जैन धर्मशाला में सुबह 9 बजे कार्यक्रम हुआ, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष यतेंद्र जैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें युवाओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ तैयारियां की जाएंगी, जिसमें मेरी माटी मेरा देश अभियान भव्य रूप से आयोजित होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक नगर घिरोर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराएगा, जिसमें अमृत वाटिका की स्थापना, वीरों का बंधन, हर घर तिरंगा फहराने जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसके लिए कई युवाओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। युवाओं ने संकल्प लिया कि हर घर तिरंगा लहराएगा, जिसके लिए युवा इतनी पहल करेगा और नगर में सजावट ही नजर आएगी। साथ ही 15 अगस्त को नगर में एकत्रित होकर एक जगह राष्ट्रीय गान का भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें नगर के काफी संख्या में लोग एकत्रित होंगे। वहां से राष्ट्रीय गान एक साथ शुभारंभ होगा, जिससे नजारा देखने योग्य होगा कि नगर में एक तरह तिरंगा लगने के बाद घर घर कार्यक्रम का आयोजन इस तरह से होगा कि समिति जो गठन हुई है, गठन में समिति में हर युवा ने जिम्मेदारी ली है कि हम घर घर पहुंच करके तिरंगा को लहराएंगे, घर हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही समिति में मुख्य मोहन चौहान द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा, जिसमें युवा भाग लेंगे। युवा हर घर पहुंच करके तिरंगा लगाकर इस कार्यक्रम को लेकर के सभी ने अपनी अपनी सहमति जताई, उसके साथ ही जिम्मेदारी सौंपी गई। इस संबंध में बैठक में किसने क्या कहा, आइए हम आप लोगों को सुनाते हैं खबर के जरिए। ये जानकारी देनी चाहिए, टीम पर बैठे 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस पर जो कार्यक्रम होता है उनको हम दिखाए, क्योंकि हम छोटे थे तो हमारे पिताजी घर में हम लोगों को बैठा के दिखाया करते 26 जनवरी को। विद्यालयों में राष्ट्रीय गान होता ही है, उस दिन बच्चों को अवश्य ही विद्यालय भेजे। यानी सरकार की मंशा वही है कि आने वाला जो हमारी पीढ़ी है उसको, यानी कि वह कभी भूल ना पाए कि देश को आजाद कराने के लिए, देश को स्वर्णिम इतिहास बनाने के लिए किन लोगों ने योगदान दिया है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी भूल ना पाए, उसको याद रहे। उसी प्रेरणा से हमारे नगर में पिछली बार भी 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे नगर को सजाया गया था और राष्ट्रीय गान भी किया गया था। इस वर्ष भी मोहन जी और अक्षय जी इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता बनेंगे और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से करेंगे। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है, तो उस अर्थ के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर सहयोग सबको ही करना है, क्योंकि जो आयोजनकर्ता बने, संयोजककर्ता बने या बनेगी वही सब कर पाए, क्योंकि अर्थ की जरूरत पड़ती है। उस अर्थ के लिए हमें आपको सहयोग लोगों का करना ही पड़ेगा। हर घर तिरंगा लगाने के लिए और राष्ट्रीय गान हम लोगों ने आपने मन बनाया है कि अपने महावीर चौक को सुसज्जित करके करेंगे, तो उसमें अर्थ की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम वहाँ सब इसका सहयोग करें और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सबका सहयोग रखें। भारत माता की जय। हम अपने देश की सारी छावनियों में जितने भारतीय सैनिक हैं एक साथ एक ही दिन में एक ही समय में विद्रोह कर देंगे और अंग्रेजों को यहाँ से बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो योजना उनकी अंग्रेजों के कान में भड़क पड़ गई और मेरठ की छापी में जो विद्रोह हुआ उसको उन्होंने गलत कर दिया और पूरे देश के अंदर
अलर्ट कर दिया। लेकिन उन लोगों ने जो क्रांति की ज्वाला जलाई उसमें हमारे देश के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने जो ये पता नहीं कि वो बच्चा है, वो विद्यार्थी है, वो जवान है, वो वृद्ध है, सभी लोगों ने 90 वर्ष तक संघर्ष करते हुए लाखों करोड़ों लोगों ने उसमें अपने प्राणों के बल आहुति दे दी और उस ज्वाला को निरंतर जलाते हुए 1947 में 90 साल के संघर्ष के बाद उस स्वतंत्रता को हमने प्राप्त किया। जब वो स्वतंत्रता अगर प्राप्त हो गई तो हम सब लोग उस राष्ट्र की भावना को भूल करके अपने स्वार्थों में पड़ करके आज इस स्वतंत्रता की जो व्यवस्था हमारे और आपके सामने है, जिन लोगों को हम चुनकर भेज देते हैं वो लोग जनहित के लिए नहीं अपने स्वार्थों के लिए कानून बनाते हुए हमारे और आपके गाड़ी कमाई के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं ये हम सब लोगों को मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी स्वार्थ की भावनाएं रहती है, इस वजह से हम भी उन लोगों की चाटवाट करते हुए अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हमारे समाज की राष्ट्र की जो भी दुरावस्था 75 साल से रही है उसमें तो हमारी ही भूल है, ऐसा हमें स्वीकार पहले से लोग कुछ भी स्वीकार नहीं। मैं कुछ क्रांतिकारियों के आपके सामने एक उदाहरण रखते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। आया भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद युवा लोग थे, पढ़े लिखे थे, चाहते तो सरकारी नौकरी करके अपने परिवारों का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उस मार्ग को नहीं चुना और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे दिया। उनकी माता ने उनके लिए पत्र भेजा जेल में, उनको समझाया तुमने हमारी बात को नहीं माना, अगर झगड़े होते हम तुम्हारी शादी करते, हमारे वंश आगे चलता। तो उन्होंने वापस पत्र लिख के अपनी माता को जब बताया, माता तुम मेरे लिए जो दुल्हन लाना चाहती थी वो दुल्हन मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं भारत माता के रूप में ही आया जी की दुल्हनियां जब आप लेके आऊंगा आप मेरा तिलक करना तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। उन्हीं के साथ में जो क्रांतिकारी मिल रहे अशफाक उल्लाह खान, उनसे जब जेलर ने पूछा कल तुम्हारी फांसी होने वाली है तो आप तुम्हारी क्या इच्छा है, उन्होंने कहा जिस समय मुझे फांसी हो जाए और मैं तिरंगे में निपट करके जब अपनी अंतर यात्रा पे जाऊं तो रविंद्र जरा की कोई आगे बदल मेरे कमर के ऊपर इस देश की जो पावर मिट्टी है उसको रख देना, यही मेरे